असली कत्ल का नाट्य रूपांतरण है, पुलिसिया जुबान में रिक्रिएशन, यानी कत्ल या गंभीर वारदात में सीक्वेंस समझने के लिए जो वाकई हुआ होता है उसे दोहरा कर देखा जाता है ताकि घटना की तह तक पहुंचा जा सके। हाल ही के सालों में देश के सबसे चर्चित मर्डर केस यानी पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का रिक्रिएशन। एक बार फिर अतीक और अशरफ की हत्या के पूरे सीन को मीडिया के कैमरों के सामने दोहराया गया। अतीक और अशरफ कुछ ही दिनों बाद नकली वाली मौत मर रहे थे। रिक्रिएशन में हिस्सा ले रहे किरदारों पर गौर कीजिए तो ये रिक्रिएशन किसी कॉमेडी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। तफ्तीश वाली संजीदगी नदारद थी। अब देखिए नकली अतीक के नकली हमलावर को, उसे हंसी आ रही है। सर्किल में देखिए पुलिस वाले भी ढीले ढाले नजर आ रहे हैं, लेकिन खैर गनीमत है कि ये सब कुछ नकली है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम SIT और फोरेंसिक टीम प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल पहुंची थी। जांच अधिकारियों ने ठीक उसी तरह पूरे क्राइम सीन को क्रिएट किया जैसे अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था। अतीक और अशरफ बनकर शख्स को लाया गया जिन्होंने हूबहू वैसे ही कपड़े पहने थे जो उस दिन माफिया ब्रदर्स ने पहने थे। अतीक और अशरफ शूट आउट क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए ठीक उसी तरह दोनों लोगों को पुलिस की गाड़ी से उतारकर अस्पताल के अंदर लाया गया जैसे अतीक और अशरफ को लाया गया था। उसके बाद किस तरह से दोनों हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, इस एक एक कड़ी को जोड़ा गया। इसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई थी कि कैसे तीनों हमलावरों ने मीडिया कर्मियों और तमाम पुलिस कर्मियों के बीच अतीक और अशरफ को मारा था। अतीक अशरफ मर्डर केस के क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद इस पूरी वारदात से जुड़ी 5 अहम बातें सामने आई हैं। असली कत्ल नकली सीन। अतीक और अशरफ को करीब से गोली मारी गई थी। पहली गोली अतीक को मारी गई थी। वारदात के वक्त पुलिस का ढीला रवैया, पुलिस शूटर्स को भांप नहीं पाई, पुलिस या एक्शन से पहले ही शूटर्स का सरेंडर, शूटर्स ना भागे ना ही पुलिस पर हमला किया। अब इस रिक्रिएशन से अतीक अशरफ के कत्ल की मिस्ट्री कितनी सुलझेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल तो सिर्फ सस्पेंस है और कुछ अनुत्तरित सवाल।